हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और मैं एक बडिंग टेक एंटरप्रेन्योर हूँ। एंड इस चैनल के थ्रू बस मेरा यही मोटिव है कि मेरा जो नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी लर्निंग्स है, जो मेरी मिस्टेक्स है, उनको मैं शेयर कर पाऊँ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ASO, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। आज मैं ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोग मार्केटिंग में नए हैं या आप लोग पहली बार इस टर्म को सुन रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगा कि कीवर्ड्स को कैसे रिसर्च करना है। इस वीडियो में बस उन लोगों के लिए बताऊंगा कि ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है और इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है ऐप मार्केटिंग में। तो ASO जो होता है, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, ये एक्चुअल में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऐप मार्केटिंग के लिए, क्योंकि अराउंड 60-70% जो डाउनलोड होते हैं प्ले स्टोर पर वो इसी के थ्रू होते हैं, ASO, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और अगर आप लोग इसको टारगेट नहीं कर रहे हो अपनी मार्केटिंग में तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग। एंड मैं पर्सनली इसको काफ़ी यूज़ करता हूँ एंड मेरे 90% डाउनलोड्स इसी के थ्रू आते हैं। सो ASO क्या है? आपने अगर SEO का नाम सुना होगा तो SEO इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसी टाइप का है ASO, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। ये ऐप्स के लिए है, SEO वेबसाइट्स के लिए होता है, ब्लॉग्स के लिए होता है, उसके लिए होता है। सो ASO में क्या होता है कि आपका जो मेन पर्पस रहता है वो रहता है कि आप एक कीवर्ड ले अपने ऐप को हाई रैंक करवा दें। फॉर एग्जांपल, अगर गूगल प्ले स्टोर पर जाके कोई सर्च करे फोटो एडिटर, तो उस कीवर्ड ले आपको अपने रैंक को हाई करवाना है। फॉर एग्जांपल, जब कोई फ़ोटो एडिटर सर्च करे तो फिर मेरा ऐप फर्स्ट रैंक पर आना चाहिए। ये होता है ASO। सो अगर आप लोग ASO का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप लोग एक बहुत बड़ी मेजर ऑडियंस को मिस कर रहे हैं, क्योंकि 60% यूज़र्स अराउंड इसी के थ्रू नए ऐप्स को फाइंड आउट करते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, स्पेशली अगर आपका ब्रांड नेम अभी एस्टैब्लिश नहीं है और अभी आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंड अगर आपको फ्री मार्केटिंग करनी है, ASO इज़ अ फ्री मार्केटिंग, तो अगर आपको फ्री में मार्केटिंग करनी है तो फिर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है आप लोगों के लिए। सो अब जल्दी से मैं ऐसे कुछ फैक्टर्स बता देता हूँ जिस पे डिपेंड करता है आपका ASO। सबसे पहला जो फैक्टर रहता है वो रहता है टाइटल। टाइटल की जो इम्पोर्टेंस रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है कि आपने अपने ऐप का टाइटल क्या रखा है, क्योंकि उस टाइटल में आपको कीवर्ड डालना पड़ेगा। जब आपको एक ऐसा कीवर्ड डालना पड़ेगा जिसका कॉम्पिटिशन लो हो और सर्च स्कोर थोड़ा बहुत ज़्यादा हो। सो टाइटल के साथ साथ आप लोगों को कीवर्ड्स अपने डिस्क्रिप्शन में भी इंक्लूड करने पड़ेंगे, साथ ही साथ जो आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रहता है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन रहता है, उनमें भी आपको कीवर्ड्स को इंक्लूड करना पड़ेगा जिन कीवर्ड्स को सर्च किया जा रहा है यूज़र्स के थ्रू। तो सबसे पहले आपको एक कीवर्ड फाइंड आउट करने पड़ेंगे एंड देन कीवर्ड पे आपको काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक रहेगा, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये सिर्फ ASO के लिए कि ASO होता क्या है, एक ऐसी बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको कीवर्ड रिसर्च भी बता दूंगा। सो इसके बाद जो फैक्टर्स आते हैं वो रहते हैं आउटसाइड फैक्टर्स। आउटसाइड फैक्टर्स रहते हैं जिस पर आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डाउनलोड्स हो गए, जिसके जितने ही ज़्यादा डाउनलोड्स होंगे उसकी उतनी ही ज़्यादा रैंकिंग्स बढ़ती जाएगी। तो डाउनलोड्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है और उसके बाद रिव्यूज़ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। जिसके जितने रिव्यूज़ रहेंगे, पॉजिटिव रिव्यूज़ रहेंगे, उसकी उतनी ज़्यादा रैंकिंग्स भी बढ़ती जाएगी। तो ये कुछ आउटसाइड फैक्टर्स हो जाते हैं आपके ASO के लिए। सो यही एक शॉर्ट वीडियो था कि ASO क्या होता है और इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा कीवर्ड रिसर्च पे कि आप लोग कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। मैं पर्सनली मोबाइल एक्शन का यूज़ करता हूँ कीवर्ड रिसर्च के लिए, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ASO टेक्स टाइम, जैसे कि बाकी सारी इंटरनेट एक्टिविटीज़ रहती है, इंटरनेट प्रमोशन, इंटरनेट मार्केटिंग कैंपेन्स रहते हैं, उसी टाइप से ASO को भी टाइम लगता है। आपको एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलेंगे, एटलीस्ट आपको इसलिए 30 डेज वेट करना पड़ेगा और इसमें काफ़ी आपको AB टेस्टिंग भी करती रहनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि आपके ऐप के लिए क्या सूटेबल हो रहा है और कौन सी ऑडियंस कन्वर्ट हो रही है। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट एक बार अगर आपको उसका होल्ड मिल जाए तो इट्स अ गोल्ड माइन। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो एंड अगर आप लोगों को कोई सजेशंस, फीडबैक्स या और कुछ चीज़ें हों तो ज़रूर लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो। एंड दैट विल बी ऑल फॉर दिस वन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।